वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया। देखिए हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कई पत्रकारों ने पूछा आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं, इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता कांग्रेस, मैंने क्या कहा सब देखे, लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया। और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं, मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं, बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है तो ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल बाय डिफॉल्ट ओनली वंस। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। कहाँ कहाँ बीजेपी, कहाँ माफी मांगेंगे बीजेपी से, क्यों माफी है, बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक 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 लफ्ज निकल चुके चूक से, इसलिए मैं कल ही पत्रकारों को कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल, मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात किए, कभी नहीं ऐसा किया, पहले कहा राष्ट्रपति, उसी साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति, पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए, चूक हो गए। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से मीडिया वालों से कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझसे निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चाहे वहां ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो चाहे वो आदिवासी हो कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं, एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार, ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डिलीबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो, मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो दिखा बात कही थी वो सब देख लिया करो ना, एक बार बाय डिफॉल्ट
चूक हुई है सिर्फ एक बार, निकल चुकी तो क्या करें, अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।